ओम सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्। आइए अब सुनते हैं विद्यालय की होनहार छात्रा कशिश को, जो एनवायरमेंटल लॉ के विषय में आपको बताएगी। सबको पता है वायु प्रदूषण कितना ज्यादा हो रहा है, मगर फिर भी कोई खुद से कदम नहीं उठाता इस चीज के लिए। लोग अभी भी कूड़ा जलाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। आज भी अगर कोई फेस्टिवल है तो लोग उतने ही पटाखे जलाते हैं और फिर वायु प्रदूषण के कारण अपनी जानें भी गंवा देते हैं। हर साल केवल दिल्ली में 54,000 पीपल मर जाते हैं सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण। तो ये बहुत बड़ी नंबर है सिर्फ दिल्ली के लिए ही। आज वायु प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमें घर में भी मास्क लगा के रहना पड़ रहा है। इसी वायु प्रदूषण को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट की कॉन्फ्रेंस हुई थी एक स्टॉकहोल्म नाम की जगह पे 1972 में। तो वहां पे जो इस पे हुआ कॉन्वर्सेशन हुआ 16 मई 1981 को उसको लागू किया गया। उस कॉन्फ्रेंस में भारत भी शामिल था। इसीलिए इस जो वायु प्रदूषण के लिए जो एक्ट वहां पे बनाए गए थे उस सब को ही भारतीय संविधान में 7 chapters of 54 sections में डिवाइड किया गया है। मगर ये वायु प्रदूषण हमने ही बढ़ावा दिया इसको, हम ही इससे परेशान है, हम ही अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो इसको कम करने के लिए भी अब हमें ही आगे आना होगा, हमें ही कुछ करना होगा अब इसको कम करने के लिए। हमारे वाहनों से निकलने वाला धुआं बहुत बड़ी अमाउंट अगर क्रिएट करता है एक दिन में, अगर हम सब अपने प्राइवेट व्हीकल से चले गए। इसीलिए हमें अपने प्राइवेट व्हीकल्स की जगह हम पब्लिक व्हीकल्स जितना यूज कर सके उतना हमें करना चाहिए उन्हें यूज, क्योंकि हम अपने व्हीकल्स भी चला रहे हैं और पब्लिक व्हीकल्स भी चल रहे हैं। पोल्यूशन डबल हो रहा है अगर हम अपने काम करके पब्लिक में यूज करेंगे तो 20%। सबको पता है वायु प्रदूषण इतना ज्यादा हो रहा है। वायु प्रदूषण होता क्या है? तब हमारी हवा के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो वायु प्रदूषण बन जाता है। हमारी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, हमारे वाहनों से निकलने वाला धुआं या कूड़ा वगैरह जलाने पे जो धुआं निकलता है हवा के अंदर मिलके वो ही तो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। आपके आस पड़ोस में या किसी रिश्तेदार को हार्ट अटैक, किडनी फेल, लंग्स कैंसर, कैंसर, अस्थमा जैसी कोई ना कोई घातक बीमारी तो हुई होगी। डॉक्टर्स ने उसका इलाज भी किया होगा, मगर क्या किसी डॉक्टर ने कभी आपको ये बताया कि ये एयर पोल्यूशन की वजह से होता है? अगर अभी हम अमेरिका के वर्ल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट की ग्लोबल एयर रिपोर्ट देखें तो उस हिसाब से दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ लोग सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं, जिसमें 50% लोग भारत और चाइना के होते हैं। हर साल भारत में 20.5 लाख लोग सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 335 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। जितने लोग वायु प्रदूषण में मरते हैं उतने लोग ना तो आतंकवाद से मरते हैं और ना ही शराब और सिगरेट पीने से मरते हैं। तो ये वायु प्रदूषण हमारे साथ साथ हमारे देश के लिए भी बहुत, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत घातक है। और हम ही नहीं बच्चे भी इस वायु प्रदूषण के कारण बहुत बड़ी संख्या में अपनी जान गंवाते हैं। पूरी दुनिया में हर साल 5 लाख बच्चे सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं, जिन मर से 64% बच्चे इंडोर पोल्यूशन। सुप्रभात, मेरा नाम कशिश है और मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल ततारपुर मुरार की कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज हम हमारे पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी और अधिकारों के विषय में एक लघु फिल्म के माध्यम से जानेंगे। पहले हमारे आसपास साफ, स्वच्छ व सुंदर वातावरण हुआ करता था। हवा बिल्कुल साफ और जल बिल्कुल निर्मल व शीतल था, परंतु आज हर जगह कूड़ा करकट फैला हुआ है। हवा में प्रदूषण और नदी तालाब दूषित हो चुके हैं। हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम साफ स्वच्छ वातावरण में रहें। अगर हमारे आसपास कहीं बहुत कूड़ा करकट पड़ा हुआ है तो उसे हटाने के लिए हम सरकार या कानून का सहारा ले सकते हैं। सरकार ने हमें काफ़ी सारी धाराएं दी हुई हैं जिसके मदद से हम ये सब कुछ कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल 253 जिसमें सरकार या पार्लियामेंट हमारी सुरक्षा और हमारे जीवन को उच्च बनाने के लिए किसी नए कानून या विषय पर संशोधन कर सकती है।
परंतु यह तभी मुमकिन है जब हम हमारे अधिकारों के बारे में शिक्षित होंगे, उनके बारे में हम अवेयर होंगे, तभी हम हमारे अधिकारों का सही से इस्तेमाल कर सकेंगे। आर्टिकल 48, 48 से और 47 के अतिरिक्त सरकार हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए न्यायबद्ध है और ये सरकार का कर्तव्य भी है। आर्टिकल 21 के तहत हम अपनी आवाज उठा सकते हैं और सरकार से मदद मांग सकते हैं, परंतु अगर सरकार यह करने में असमर्थ रहे तो हम आर्टिकल 226 के तहत माननीय उच्च न्यायालय और आर्टिकल 32 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। पर्यावरण को साफ स्वच्छ बनाने या रखने के लिए हम सरकार की मदद लेते हैं, परंतु पर्यावरण को दूषित करता कौन है? ये कचरा आता कहाँ से? इसे फैलाता कौन है? हम अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी कचरा फेंक देते हैं और फिर सरकार को उसके लिए कोसते हैं। सरकार के द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइंस का भी हम पालन नहीं करते। जैसे दिवाली पर सरकार ने दिल्ली, हरियाणा जैसे इलाकों में पटाखे प्रतिबंधित कर रखे थे, फिर भी लोगों ने अपने फायदे, अपने शौक के लिए पटाखे जलाए। उससे हुआ प्रदूषण, जिससे अब लोगों को इतनी दिक्कतें आ रही हैं। लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे, लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, तो ये प्रदूषण किसने किया है? सरकार की बात किसने नहीं मानी? लोग आस्था के नाम पर काशी, हरिद्वार आदि तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और वहां पूजा पाठ करते हैं। वहां से बहने वाली नदियों में फूलों के साथ साथ पूजा सामग्री का भी निर्वाहन करते हैं, परंतु वहां पे लोग पॉली बैग्स, प्लास्टिक से बने हुए बैगों को भी नदियों में ही बहा देते हैं। दुर्गा विसर्जन या गणेश चतुर्थी पर केमिकल से बनी हुई मूर्तियों को लोग नदियों में विसर्जित करते हैं, तो उससे जल दूषित नहीं होता? वो जल प्रदूषण का कारण नहीं बनता है? यमुना, जो ताजमहल के पीछे से बहती थी एक विशाल नदी के रूप में, आज वो कितनी गंदी हो गई है और एक मात्र एक नाले के समान रह गई है। कृष्ण जन्मभूमि से बहने वाली यमुना में लोग अपने घरों का गंदा पानी छोड़ते हैं। इस तरह ये प्रदूषण हमारी नदियों और हमारे वातावरण को एक विष के रूप में प्रभावित करता है। ये विष इतनी तेजी से फैल रहा है कि कोई नहीं बता सकता। इस फैलते विष को रोकने के लिए हमें अपने आसपास सफाई रखनी होगी और दूसरों को भी इस चीज के लिए प्रेरित करना होगा। और अगर आपके